नमस्कार दोस्तों करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है फर्स्ट ऑफ सितंबर अगस्त अगस्त महीना कंप्लीट हो चुका है लास्ट डे डॉलर इंडेक्स फ्रॉम स्विंग लो एक दिया एक्सपेक्टेशन इट कम्स आफ्टर एडीपी डेटा ए ड्रॉप इन जॉब ओपनिंग्स टू द लोएस्ट लेवल इन नियरली टू एंड इन जुलाई आपका अगस्त अगस्त को डॉलर इंडेक्स नीचे अगस्त डॉलर इंडेक्स ऊपर यही हम बता रहे थे कि एक-एक डेटा -एक आएगा उस डेटा के बेसिस पे जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर नीचे करता रहेगा आज तो फ्राइडे फर्स्ट सितंबर आपका एनएफ ए डेटा जिसके बाद प्राइस मूव और भी ऊपर नीचे होता रहेगा ये हो गया इकोनॉमिक डेटा जिसके रिलीज के बाद प्राइस एक्शंस जो है वो ऊपर नीचे चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा तब तक जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं केस अभी हम चार्ट पे आते हैं सो so, चार्ट जो है आपका कल के दिन हमारा ये एक्सपेक्टेशं था इसको मीन्स द डॉलर इंडेक्स को अगर नीचे के तरफ जानना है तो थर्टीथ ऑगस्ट के लोग के नीचे फॉलो थ्रो चाहिए था जो फॉलो थ्रो कल दिन भर मेला नहीं अभी व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में ये है कि आर जो है अभी आपके सिक्सटी में आके रुका हुआ है फ्रॉम फिफ्टी टू पॉइंट एट नाइन इट मूव टू सिक्स लेवल्स नाउ ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस क्या ये आज के एन एफ पी की बात रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है ऐसा प्रतीत होता है आज का जो भी एन एफ पी डेटा आएगा वो डॉलर नेगेटिव होगा ऐसा एक इनिशियल क्लू है मीन्स इस टाइप का अगर कैंडल बाई द यूएस मार्केट क्लोजिंग इस टाइप का अगर आ जाते हैं इन सच केस आने वाले हफ्तों में मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स पे अच्छा खासा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टूवर्ड्स योर 101.90 से 102.00 देन सेकंड वन एट 100.80 से 101.00 एंड फाइनली 99.70 से 99.75 दिस आर द थ्री सपोर्ट लेवल्स और द टारगेट्स दैट इज एक्सपेक्टेड वंस

वो ही बता रहे थे कि एक तो है थर्टी के लो के नीचे कंटिन्यूशन चाहिए अदरवाइज एक ग्रीन कैंडल चाहिए उस ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल चाहिए जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज दे देगा द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज आफ्टर दी डेटा क्या डॉलर इंडेक्स इस टाइप का एक है? फॉर्मेशन करते हैं लेट्स सी द वे डेटा प्रिंट इज कमिंग देन कम्स डॉलर रूपी पर डॉलर रूपी को टच करने से पहले हम आएंगे CNHP. अब सी एन एच पे देखो जो हमारा सपोर्ट लेवल था दट इज सेवन पॉइंट टू सिक्स एंड सेवन पॉइंट टू सेवन उसको तोड़ के ब्रेक करके नीचे के तरफ आ चुका है सेवन पॉइंट टू फोर फाइव सिक्स ऐसा क्या हो चुका है या हो गया है चाइनीज इकोनॉमी में या ऐसा क्या पीबीओसी ने कर दिया है जिसके कारण फ्रॉम द पॉइंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है चाइनीज इवन स्ट्रेंद टू इट्स फॉर्मस्ट इन टू एंड हाफ वीक्स अगेंस्ट द डॉलर ऑन थर्सडे आफ्टर द सेंट्रल बैंक टुक मेजर्स टू सपोर्ट द

सेक्टर द रियल्टी सेक्टर इसके बाद चाइनीज पे स्ट्रेंथ देखा गया है अभी यहाँ पे जो देखने वाला चीज है टेक्निकली, एक्शन ये स्ट्रेंथ आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है चाहे वो नेचुरल प्रोसेस में हो या पीबीओसी के मेजर्स के कारण हो बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं जो चाइनीज

दिस लेवल तब तक चाइनीज युआन पे स्ट्रेंथ दिखा जाएगा स्ट्रेंथ और सम ऑफ़ साइडवेज़ कंसोलिडेशन कब तक इसके ऊपर जब तक क्लोज स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है चाइनीज यून के स्ट्रेंथ इज गुड फॉर रूपी क्योंकि वॉलिटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा इससे भी पहले मिस से आने से पहले हम आते हैं यूके ऑयल यूके ऑयल आपका है 86.92 सिक्स नाइन टू विच इज सेम एज योर ब्रांड एटी सिक्स पॉइंट एट जीरो पे कल हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि क्या चर्ट जो डेली चार्ट है वो आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा अप डाउन मूव मिलने का प्रयास हो सकता था लेकिन कल नीचे आने का नाम ही नहीं दिया क्योंकि रशियन एनर्जी मिनिस्टर का कमेंट आया है जहां पे दे आर जॉइनिंग ओपेक कंट्रीज टू कट द प्रोडक्शन उसके बाद ही ये जो तेल का प्राइस ऊपर जाने लगा फ्रॉम एटी फाइव एटी फाइव टेन टू एटी सेवन एटी सिक्स पॉइंट एट वन तक दैट बीइंग द केस यहां पे और भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है लेकिन अभी हमें जो देखना है क्या देखना है आप थोड़ा सा वाइडर अगर प्राइस सेक्शन देखोगे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था क्या रेजिस्टेंस लेवल था इस लेवल पे जब जब प्राइस सेक्शन आया एक शार्प डाउन मूव आया आप इस लेवल पे देखो कितना शार्प डाउनफॉल आया इस लेवल पे देखो हालांकि इतना भयंकर डाउनफॉल नहीं था लेकिन करेक्शन अच्छा खासा था अभी देखना है क्या

देखना पड़ेगा सो दीज आर द्री प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ रेड कलर का के साथ, and ये red color कर के साथ explain करने का प्रयास किया है अभी आते हैं डौलार रुपी। डौलार रुपी में अभी जो sideways consolidation है ये चल रहा है दैट बीइंग द केस जो रेंज है ऑन द लोअर साइड से 82.50 फोर्टी 82.50 हालांकि नीचे भी आया नहीं था एक्सेप्ट द 24th ऑफ अगस्त जहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन स्क्वायरिंग का मींस पैनिक बटन दब गया था तो ऑन द लोअर साइड 82 टू 50 एंड ऑन द हायर साइड 82 85 एक नैरो रेंज बन चुका है एंड द वाइडर रेंज जो हमने डिसाइड किया था 82 20 82 35 ऑन द लोअर साइड एंड 83 20 से 83 40 ऑन द हायर साइड सो हमारे हाथ में दो रेंज है अभी हमें प्राइस सेक्शंस को देखना है क्या देखेंगे यहाँ पे देखने लायक कुछ है नहीं कैंडल्स जो बन रहे हैं छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं गोइंग ऑन ये जो कॉन्सोलिडेशन है जितना ज्यादा लंबा होगा कॉन्सोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेक आउट हो सकता है ऑन आइदर साइड आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड कल का जो हमारा इंडिया का जीडीपी फिगर आया है बहुत ही बढ़िया जीडीपी डेटा आया है उसके बाद हमारा इकोनॉमी का और भी फर्दर ग्रोथ कैसे होता है आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा अभी वीडियो को लंबा ना करते हुए थोड़ा सा जल्दी से आधार का रिश्पियस को हम एनालाइज कर लेते हैं जीबीपी डॉलर अभी है 1.2670 जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे फर्स्ट पुलबैक पे हम बाई नहीं करेंगे एक रेड कैंडल या एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कैंडल हमें चाहिए उसके बाद उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे तोड़ेगा हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी चालू होगा यहां पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो भी सपोर्ट कर रहा है दैट बीइंग द केस आफ्टर द एनएफपी अगर हमें एक ग्रीन कैंडल बनते हैं समथिंग लाइक दिस एक ग्रीन कलर का कैंडल जो 31st के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है आफ्टर द एनएफपी डेटा इन सच अ केस यहां पे एक अपमूव हम देख सकते हैं फर्स्ट टुवर्ड्स 1.2950 एंड देन टुवर्ड्स 1.3100 क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा जीबीपी आईएनआर सिमिलरली फर्स्ट 3

at 107.70. Euro dollar similarly red candle का इंतजार था red candle आ चुका है after the NFP के आई green candle बनते हैं उसके बाद तो कल अगर बनते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोज जो कल के हाई के ऊपर देगा इन सच केस हमारा लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हो सकते हैं एंड वी विल वेट फॉर देयर आफ्टर हायर हाई हायर लो क्या ये होता है यूरो आइनर सिमिलरली एक आज एनएफपी के बाद एक ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन से जो कल के हाई के ऊपर क्लोज देगा इन सच केस आए ये डॉलर डॉलर पे अभी है 145.50 जो आपका हाई था 147.37 अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया है ट्रेंड लाइन के नीचे आया है एंड जो आपका थर्टी अगस्त के लो के नीचे क्लोज दिया है कल के दिन दैट द केस हमें एक्सपेक्टेशन से एक शार्प फॉल का ऑन येन डॉलर येन में उसके लिए एनएपी डेटा का हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर आता है तो हमारा टारगेट हो सकता है अगर डॉलर नेगेटिव होता है इन सच अ केस डॉलर येन में मूव टुवर्ड्स 141.30 से 141.50 क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा इन सच अ केस द स्टॉप लॉस विल बी अबव द 29th अगस्त हाई हमें जो चाहिए था वो आ चुका है हमें इंतजार करना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है एन एपी डेटा के बाद पूरा का पूरा पिक्चर ही बदल जाए फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग आ सकता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सो एनएपी एपी डाटा के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी में जो कंटिन्यूस एक सेल ऑफ आ रहा है हमें इंतजार है एक ग्रीन कैंडल का लेकिन दिया नहीं है सो so, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है

4.60 ये वाला टारगेट कर सकता है क्या ये होगा या नहीं होगा पिक्चर अभी बाकी है हमारे दोस्त सो एन डेटा के लिए इंतजार है आप अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे ऐसा प्रतीत होता है ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है एक मेरा जो एक्सपेक्टेशन से डॉलर नेगेटिव एनएपी डेटा का एक्सपेक्टेशन से एज फार एज द चर्ट बिल्डअप कंसर्ट तो ेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इप सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए योर फ्रेंड सर्कल टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड बाय बाय